आज भारत सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय किया है कि महान जननेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का निर्णय किया है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को इस चिर प्रतीक्षित निर्णय के लिए बहुत ही अभिनंदन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना देश के गरीबों का सम्मान है, देश के पिछड़ों अति पिछड़ों का सम्मान है और सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी का सम्मान है। मैंने अपने छात्र जीवन से उनको देखा है, राजनीतिक जीवन में ऐसा ईमानदार नेता, ऐसा सरल सहज बिरले मिलते हैं और उन्होंने गरीबों, अति पिछड़ों, वंचितों सबों में चेतना जगाई कि लोकतंत्र के माध्यम से तुम्हारी आवाज मजबूत होगी और तुम आगे बढ़ोगे। हिंसा का स्थान नहीं है समाज में, सबको साथ मिलकर काम करना है। मुझे तो जरा भी संदेह नहीं है उनकी क्षमता में, वो भारत की राजनीति में बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका देहावसान लगभग 66-67 वर्ष की उम्र में ही हो गया, तो बहुत पीड़ादायक है। तो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बहुत बड़ा पुरस्कार ऐसे महान व्यक्ति को दिया है, सर्वोच्च सिविजन अवार्ड, ये उस पावन आत्मा को एक प्रकार से उनकी सोच, उनके विचार, उनकी राजनीति, उनकी ईमानदारी और गरीबों के प्रति उनके समर्पण का सम्मान है।